नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। बिहार में बाढ़ का कहर जारी है, तो वहीं बिहार के शिवहर जिला के डुमरी ब्लॉक अंतर्गत मकसूदपुर करड़िया पंचायत में बाढ़ आने के कारण लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। क्या है उनका हाल, देखिए। बिहार के शिवहर जिला के डुमरी ब्लॉक अंतर्गत मकसूदपुर करड़िया पंचायत में बाढ़ आने से लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। ये पंचायत मोतिहारी के बॉर्डर के काफी करीब, जहां से गंडक नदी का बहाव होता है, जिसके कारण यहां हर साल बाढ़ आने से काफी प्रलयकारी स्थिति हो जाती है। यहाँ के ग्रामीण जयकिशोर सिंह, भोला ठाकुर, अभिषेक सिंह और वहाँ के बहुत सारे ग्रामीण मौजूद थे। उन लोगों ने बताया कि बाढ़ से हम लोगों का फसल तो नष्ट हो ही चुका है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम लोगों के घर में भी पानी घुस चुका है, जिसके कारण हम लोगों को घरों को छोड़कर दूसरे जगह का आसरा लेना पड़ रहा है। उन सभी लोगों का कहना है कि गाँव के मुखिया आज इसे 3 दिनों पहले आए थे और भरोसा दिलाकर चले गए, लेकिन अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। सबसे दयनीय बात तो ये है कि यहाँ के कोई अधिकारी इनकी सूद तक लेने नहीं आया है। इन ग्रामीणों का कहना है कि हम लोग रात को डर से सो नहीं पाते, और ये भी बताया गया है कि पानी पहले से काफी बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, HBN न्यूज। इस समय शिवहर जिला के डुमरी प्रखंड पंचायत कड़िया के स्थान पे इस वक्त मौजूद है। आपको देखने से लग रहा है कि चारों बगल जलमग्न से भरा हुआ है। एक तो सभी लोग कोरोना महामारी से पीड़ित है, दूसरी तरफ ये जलमग्न से भी पीड़ित है। देख रहे हैं जैसे कि आप, एक किसान लोग अपने अपने फसल किए हैं, फसल लगाए हैं, सभी फसल जो है ना दहा करके चले गए हैं। बताइए फसल लोगों को, एक किसान लोग कहाँ से भरपाई हो पाएगा। दूसरी तरफ आपको देखने से लग रहा है किसान लोगों ने जो है ना अभी जलमग्न से भरा हुआ है। ये मकसदपुर करड़िया, करड़िया से लालगढ़ जाने वाली पथ है, जो ये जल से भरा हुआ है पूरा, ये जो खड़ा हुआ है। आप लोग को जाने में कोई तकलीफ परेशानी हो रही है क्या? हाँ, हम लोग को परेशानी बहुत हो रही है, मतलब इधर से जाने में कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, ठीक है। और पूरा मतलब गाड़ी उड़ी नहीं जा रहा है, ठीक है, कोई गाड़ी उड़ी नहीं जा रही, कोई गाड़ी नहीं जा रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, इधर कोई अफसर कोई पदाधिकारी आ चेकिंग करने की? कोई नहीं है, दिक्कत है, इधर कोई नहीं है, नहीं है अभी कोई नहीं है। क्या आप लोग की फसल इसमें नष्ट हुआ है क्या? हाँ हाँ, नष्ट हुआ है। हमारा नाम ललन ठाकुर हुआ है, मेरा पिताजी का नाम महेश ठाकुर है। अच्छा, क्या आप ही के घर डूबा हुआ है? पूरा घर जो है कि डूबा हुआ है, 3-4 दिन से इसमें गेहूँ रखे हुए थे, सब भीग गया, गाय उठा ले जा करके दूसरे के दरवाजे पर बांधे हैं उसको। क्या करे अब, यही है दशा, हर साल यही हो रहा है। अभी मिट्टी डाले थे, खाना दूसरे के घर में बनवा रहे हैं, बिजली पानी बहुत ज्यादा हो गया है, गेहूँ था सब उसमें भीज गया, खाना दूसरे के घर में बनवा। इस पर कोई सरकार जो कोई सरकार द्वारा कोई योजना चाहे कोई पदाधिकारी पर कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ है। क्या घर डूबी है? नहीं, आए थे प्रमुख साहब, आए हुए थे लोग, अपना मुखिया जी लोग आए थे, देख के और चले गए। अच्छा, मुखिया जी क्या बोले? बोले आश्वासन दिए कि हाँ वो व्यवस्था किया जाएगा, तब अब कुछ हो ही नहीं रहा है व्यवस्था, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। पूरा बताने जा रहे हैं कि पूरे घर में पानी ये बाढ़ की पानी से पीड़ित है, सभी जलना जलावन वगैरह पाएंगे। ये बताइए आप कैसे इसमें रहते हैं, कोई दिक्कत बहुत दिक्कत? यहाँ कोई पदाधिकारी वगैरह, कोई BDO, कोई CO, कोई मुखिया आके आपको ज्यादा लिए? देखिए पूरे इनके घर में पानी जो है पैक है, जिसकी इस तरह देख रहे हैं, आगे भी एक घर जलमग्न से पैक है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है इनके घर वालों के से, यहाँ कोई पदाधिकारी कोई नेता वगैरह मुखिया वगैरह कोई यहाँ आकर ज्यादा नहीं लिए। गरीबों लोग अपने पानी में अपना जीवन किस तरह गुजार रहे हैं। विभाग से यहाँ भी मिशन चौदह का उपाय किया है कि बाढ़ का पानी जो है जल जमाव से काफी गंदा है। 500 का इलाज है, वहाँ 1000 रुपये को हो रहा है, देना पड़ रहा है। अपने कानून के माध्यम से तो हम लोग यही कहेंगे, जहाँ घर डूबा हुआ है। देख रहे हैं कि आप ग्रामीणों द्वारा जो बताया जा रहा है कि माल की एक भैंस थी जो जिनकी तबीयत खराब हो गई, यहाँ पे स्वास्थ्य उसके ठीक करने के लिए कोई डॉक्टर भी नहीं आया पानी की वजह से। और ग्रामीणों द्वारा बताया जा रहा है कि कीड़े के थंब पे लचका बनाकर डॉक्टर साहब को बुलाकर इलाज कराया गया। और देख रहे हैं कि मैं इस घर के सामने, वो जो देख रहे हैं यहाँ घर के सामने से कितने बाहर तक पानी जमाव फैला हुआ है। और ग्रामीणों द्वारा कहने का मतलब है कि कोई यहाँ पर अधिकारी आते हैं आश्वासन देकर चले जाते हैं, कोई एक्शन नहीं लेते हैं। HBN न्यूज शिवहर।